इस वक्त की दुर्घटना पति विदेश में रहकर काम करता था और छुट्टी लेकर 2 महीना पहले अपने घर पर आया था। पत्नी अपने मायके में जाकर रह रही थी। फिर क्या था, पति नोकीला चाकू लेकर पत्नी के मायके पहुंच जाता और उसी नोकीले चाकू से पत्नी को धड़ाधड़ कई वार करके मार डालता है। चाकू से कटने से पत्नी की मौत हो जाती है और बीच में बचाना है लड़की के भाभी और लड़के दोनों को भी उसी चाकू से घायल कर देता है। कौन सी वजह थी तो उस पति को बेरहमी से अपने पत्नी को मार कर हत्या करना पड़ा। यकीनन मानिए घटना आपके दिल को झकझोर के रख देगा। पूरा घटना कहाँ का है और क्या पूरा मामला है, आइए जान। यह घटना खेतड़ी नगर झुंझुन जिले के सांधना कस्बे का है। जिस व्यक्ति ने बेरहमी से अपने पत्नी को मार डाला, दरअसल पति मुमताज विदेश में रहकर काम करता था और 2 महीना पहले छुट्टी लेकर अपने घर आया था। पत्नी मीना अपने मायके में जाकर रह रही थी। आप सभी को बता दें कि पति को अपने पत्नी के ऊपर शक था कि किस व्यक्ति के साथ पत्नी का अवैध संबंध चल रहा है। पति अपने घर वालों से 3 दिन से पत्नी को चाकू मारने की बातें कर रहा था, लेकिन पति की बातों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। फिर क्या था, मायके में रह रही पत्नी के यहाँ पति नोखीला चाकू लेकर पहुँच जाता है, पत्नी को उसी चाकू से बेरहमी से कई वार करके मार डालता है और बीच बचाव करने आए लड़की के भाभी और लड़के दोनों को भी उसी चाकू से मार कर घायल कर देता है। हत्या करने के बाद खुद आरोपी पति सिंधना थाना पहुंच गया। बरदात में काम लिए गए चाकू को रख कर कहा कि मैंने अपने पत्नी को चाकू से मार कर आया हूँ। पुलिस प्रशासन की टीम ने आरोपी पति को कस्टडी में लेकर घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस प्रशासन की टीम ने देखा कि मुमताज की पत्नी खून से लथपथ मरी हुई पड़ी थी और भाभी और उसके लड़के दोनों गंभीर हालत से जख्मी थे। पुलिस प्रशासन की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल हुए भाभी और उसके बेटे को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तो दोस्तों, केवल सत्य के बुनियाद पर उस व्यक्ति को ऐसा कदम उठाना चाहिए था या ठंडे दिमाग से बैठकर बात विचार करना चाहिए था? आप सभी का क्या राय है इस वीडियो के बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके आसपास होने वाले हर छोटी बड़ी घटनाओं पर नजर बनाए रखें ताकि आप दूसरों को सतर्क कर सकें। सावधान रहे, सतर्क रहे, अलर्ट रहे। मिलते हैं क्राइम के किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।